हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ एंड विकास 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक आने से पहले शरीर आपको 10 संकेत देता है और वो संकेत आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि किसी के भी साथ हो सकता है। मैं नहीं चाहूँगा किसी के साथ हो, लेकिन ये किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक के मामले बहुत ही ज़्यादा अब इस मतलब दुनिया में बढ़ने लगे, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे। तो उन्हीं के बारे में पहले से अवेयरनेस करना चाहता हूं मैं फ्रेंड्स, वो कौन से ऐसे 10 संकेत हैं जो आपको बॉडी पहले से ही देती है और इन्हें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करना, हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज़ की तरह एक रिक्वेस्ट रहती है, अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। था फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो संकेत जान लेते हैं फ्रेंड्स, वो कौन सा संकेत है जिससे आपको पता चलता है कि मतलब आपके हार्ट अटैक होने के चांस हैं। तो सबसे पहला मतलब जो संकेत है फ्रेंड्स, वो छाती में दर्द होना, मतलब आपकी जो छाती होती है मतलब तो उसमें दर्द होना, ये सबसे मेन है और मतलब सबसे आम संकेत है। ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि जब आपको कहीं मतलब हार्ट अटैक जैसी कोई संकेत बनते हैं या फिर लक्षण बनते हैं, तो सबसे पहला लक्षण यही होगा कि आपकी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सीने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, तेज़ दर्द होता है फ्रेंड्स, एक अजीब टाइप का दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो एक पहला लक्षण था। अब सेकेंड लक्षण के बारे में बात करते हैं, तो फ्रेंड्स वो है हाथ या पीठ में दर्द होना। फ्रेंड्स, आपके हाथ में भी दर्द हो सकता है इस साइड वाले में, और आपकी पीठ में भी दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पीठ और हाथ में दर्द होना ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि आपके हार्ट अटैक आने के चांस हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, तीसरे संकेत के बारे में बात करते हैं, वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, वो है खांसी और खरास होना, मतलब खांसी भी आपको बहुत ज़्यादा आएगी, बार बार खांसी आएगी, मतलब एक ऐसी टाइप की खांसी आएगी, पूरी तरह से खांसी नहीं आएगी, एकदम धसा टाइप का आएगा, धौंसा टाइप का आएगा, तो उस टाइप की खांसी आएगी, खरासें हो जाएंगी आपके गले में, तो ऐसा कुछ होने लगता है, जैसा लगेगा आपको गले में खरासें हैं और खांसी पूरी तरह से नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी खांसी आएगी, जल्दी जल्दी बार बार खांसी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा लक्षण था। अब बात करते हैं चौथा लक्षण वो कौन सा है कि जिससे आपको संकेत पहले से पता चल जाता है। फ्रेंड्स, चौथा है गर्दन या जबड़े में दर्द होना। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आपको दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, या फिर आपके दांतों या जबड़ों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना, वीडियो के आगे बने रहें, आपको और आगे वाला संकेत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बढ़िया क्या है, एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आपको कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक संकेत है जो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके चार। अब बात करते हैं पांचवें वाले की। तो पांचवा है फ्रेंड्स, बेहोशी और जी मिचलाना। फ्रेंड्स, बेहोशी वाला ये मतलब आपको बेहोशी होने जैसी संभावना लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बेहोश हो रहे हैं, या फिर आपके जी मिचलाने लगेगा और उल्टी आपको होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जी मिचलाने के बाद आपको उल्टी होना बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपको उल्टी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत बड़ा संकेत था। अब बात करते हैं छठे के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसा लगेगा आपको जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा थकान, मतलब बहुत ज़्यादा थकान होना, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा थकान होना, आप इतना थका महसूस करेंगे आपको चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उस टाइम पर आपको ऐसा होने पर आप तुरंत अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइएगा, अपने डॉक्टर को दिखाइएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सातवें के बारे में। तो सातवें फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है कि ठंडा पसीना आना। फ्रेंड्स, तो ये ठंडा पसीने वाली बात है, तो हमेशा आप नोटिस करना कि अगर आपको वैसे पसीना आएगा बुखार वगैरह में, या वैसे नॉर्मली पसीना आएगा, तो पसीना गर्म होता है, लेकिन जब भी आप हार्ट अटैक के साथ चांस होंगे, आपके हार्ट अटैक हो गया, तो उस टाइम पर आपको जो पसीना आएगा, जो स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी, बहुत ठंडा पसीना होगा, तो उस टाइम पर आप समझ जाइए कि आपको हार्ट अटैक के चांस बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं। तो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आठवें के बारे में। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है फ्रेंड्स, सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि हार्ट अटैक यहाँ होता है, तो जब आप सांस लेते हैं बहुत ज़्यादा और दर्द होती है, पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा असहनीय अनबियरेबल पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पर वो पेन को, अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम पर आप समझ जाइए कि आपको हार्ट अटैक जैसी संभावना बन रही है। तो फ्रेंड्स, आप अलर्ट हो जाइए। फिर अब बात करते हैं एक लास्ट बारे में। तो फ्रेंड्स, जी मचलाना मैं बता चुका हूँ, लेकिन उल्टी वाला था, उसमें उल्टी ज़्यादा आती है, इसमें जी मचलाता है बहुत ज़्यादा, आपको लगेगा नहीं कि उल्टी आएगी, बट ऐसा लगेगा कि उल्टी आ रही है, आती नहीं है उस टाइम पे, लेकिन लगेगा कि उल्टी आ रही है, तो जी मचलाता है बहुत ज़्यादा। बात करते हैं लास्ट के बारे में, तो वो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो यही है सिर घूमना या चक्कर आना। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि चारों तरफ घूम रहा है सब कुछ, और आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आएंगे, तो ऐसे टाइम पर आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइएगा और अपने डॉक्टर को दिखाइएगा फ्रेंड। तो ये 10 ऐसे संकेत थे जो आपको बॉडी पहले से ही अलर्ट करता है, अगर आप ये देख लेंगे
तो आपको महसूस हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा पता चल जाएगा, अगर आप ऐसे इन्हें महसूस कर लेंगे या फिर इन्हें जान लेंगे फ्रेंड्स, तो आप हार्ट अटैक की कंडीशन से बच सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद आपको टाइम बहुत कम मिलता है और वो टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक एक सेकेंड की बहुत ज़्यादा कीमत होती है फ्रेंड्स। तो उस टाइम पर अगर आप ऐसे कंडीशन में आपको पता चल रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइएगा, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, तो उन्हें आप दिखाइएगा। ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, क्योंकि देरी करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है फ्रेंड। देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है फ्रेंड। दिक्कत क्या होती है, आपको पैदल बिल्कुल भी नहीं चलना है फ्रेंड। अगर आपको ऐसे कोई चांस लग रहा है तो आपको पैदल नहीं चलना, क्योंकि पैदल चलने से आपके हार्ट अटैक के जो चांस हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल भी फ्रेंड पैदल नहीं चलना, आपको व्हील चेयर का इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर व्हील चेयर नहीं है तो आप अपने घर में बस बैठ जाइए, जहाँ भी हैं बैठ जाइए, और कोशिश करें जल्दी से एम्बुलेंस लाकर आपको हॉस्पिटल तक पहुँचाना है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं, तो पहले से आपको शरीर देता है संकेत होते हैं। अगर ऐसे कोई संकेत आपको लगे तो प्लीज़ अपने अलर्ट हो जाइएगा, और अलर्ट होने के बाद तुरंत हॉस्पिटल जाइए। तो हाई हमारा रिक्वेस्ट फॉर यू, क्योंकि हृदय रोग बहुत ही ज़्यादा इंडिया में बढ़ने लगा है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, आई मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि ये जानकारी आप सभी को बहुत ज़्यादा होना जरूरी है। कभी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी के साथ ऐसा हो, बट ये जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई आर डियर फ्रेंड्स। और चैनल पहली बार विजिट करना तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई आर यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाय।